इधर हरेली तिहार मुख्य रूप से किसानों का त्योहार है, लेकिन बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसको लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश का मुखिया बनने के बाद ये त्योहार नई रौनक के साथ घर घर पहुंचा। वहीं अपनी परंपराओं को भूल रही युवा पीढ़ी भी इस त्योहार के रंग में रंगी नजर आई। हरेली का त्योहार उमंग और उत्साह तो लेकर आता है, लेकिन जब से भूपेश बघेल सरकार आई है प्रदेशवासियों के लिए सौगात लेकर भी आता है। सरकार ने 2 साल पहले 2020 में हरेली पर्व के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। गोबर खरीदी की योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद रही है और गोबर ग्रामीणों की आय का जरिया भी बन गया है। अब सरकार इस हरेली पर्व पर गौमूत्र खरीदी की शुरुआत कर रही है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। इसके अलावा लोग उत्साह से त्योहार मना सके, इसके लिए एक दिन छुट्टी की घोषणा भी भूपेश बघेल सरकार ने की है। इसके लिए मंत्री भी उन्हें आम जनता की तरफ से बधाई देते हैं। छत्तीसगढ़िया जनता के लिए जो हरियाली छुट्टी दिया है, हिंदुस्तान का पहला सरकार है, इसलिए मैं पूरा छत्तीसगढ़ के जनता की तरफ से मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। जानकारों का कहना है कि हरेली का ये त्योहार महज मौज मस्ती के लिए नहीं है, बल्कि इसमें संस्कृति, परंपरा और पुरखों के संदेश भी छिपे हुए हैं। राज्य की भूपेश बघेल सरकार की कोशिश भी यही है ताकि हमारी संस्कृति और परंपराएं घर घर तक पहुँच सके। हरेली, पोला, तीजा, ये सब तरह के जे पारंपरिक त्योहार हैं, तेल सरकार विशेष एकर ऊपर महत्व दे है। और निश्चित रूप से ये सब चीज़ मन तो समाज के परंपरा होते हैं, हमारे संस्कृति के अंग हैं, लेकिन अगर उमर सरकार के सहभागिता होते, सरकार के रुचि होते, तो निश्चित रूप से ए माँ एकर स्वरूप में बहुत एक चमक आ जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दिन प्रदेश के मुखिया के रूप में ही नहीं, बल्कि किसानों के प्रतिनिधियों के रूप में भी हरेली की पूजा करते हैं। पूरा मुख्यमंत्री निवास हरेली के त्योहार के रंग में रंगा होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार को जहां नई चमक दी, वहीं युवा पीढ़ी को इससे जोड़कर आने वाली पीढ़ियों तक सभ्यता और संस्कृति को पहुँचाने का भी काम किया है। जब से हमार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बनीस हमार भूपेश बघेल जी है, तब से समझ लो पूरा एक प्रदेश स्तर में, प्रदेश से पूरा नेशनल लेवल में मामला मतलब उछल चुके हैं कि एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं। और हमार जो संस्कृति है, ये जैसे गेड़ी है, हरेली है, एला मतलब वो बहुत अच्छा करा था। अपन सीएम में गेड़ी चढ़ना, उन्हें रोटी पीठा बनवाना, जम्मू विधायक मंत्री मतलब उन्हें बलवाना, मतलब एक अच्छा लेवल में मतलब समझ राष्ट्रीय लेवल में चले गए हैं, जो कि हम जैसे छत्तीसगढ़िया मन के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं आप मन के चैनल के माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहा था। हमारे लोकल आदमी हैं, छत्तीसगढ़िया आदमी, हमारे गर्व की बात है कि हमारे सरकार है, हमारे पहचान ला देश विदेश में पहचान रही है, तो एक लिए सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत है। और यह त्यौहार है मतलब सब स्कूल के लड़का मन पर खेल कूद मनाए है, एमा तीजा पोरा छुट्टी मिलत लड़का मन ला, तीजा पोरा जानत नहीं रही त्यौहार मन ला, अब सबके सब जान, सब राज्य में जान गए तीजा पोरा का होते की। पहले हरेली का पर्व सिर्फ गाँव तक सीमित था, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इसे न केवल शहरों तक पहुँचाया, बल्कि अब ये त्योहार अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए विदेशों में भी पहचान बना रहा है और इसका श्रेय सिर्फ सीएम भूपेश बघेल को जाता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।